गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं एस ब्लॉक, और यहाँ ये पेरियोडिक टेबल है, यहाँ एस ब्लॉक है और यहाँ पी ब्लॉक, देन यहाँ डी ब्लॉक और उसके नीचे एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में जितने भी ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाते, और अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें कुछ एलिमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यानी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। और अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है, अगर आप इसको मैग्नेटाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी जितना ज़्यादा आप इसको मैग्नेटाइज करेंगे ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। और अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, यानी ये बहुत स्लो में मैग्नेटाइज हो। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर ड्राइवन टू अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड बट ओनली वीकली एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर ओनली फ्रेंडली अट्रैक्टेड, एल्यूमिनियम कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और आर सब्सटेंस विल रिपील मैग्नेटाइज फील्ड। गोल्ड एंटीमोनी आर एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक। अब हम मैग्नेट आई होप आप लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।